हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेंडोनॉमिक्स बाय हर्ट। सो मार्केट ओपन गैप डाउन, फेड का न्यूज आया, इंटरेस्ट रेट तो बढ़ाएंगे, तो डर का माहौल हो गया। अभी बाजार गिरेगा क्या? गिरेगा बाजार? क्लोज कहाँ पे होगी भैया? क्लोज कहाँ पे होगी मार्केट की? सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट निफ्टी, बैंक निफ्टी, कपल ऑफ स्टॉक सेक्टर्स, वर्ल्ड मार्केट भी देखेंगे, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाला हूँ। This is going to be very interesting, informative video. Watch till end. If you are new, if you still haven't subscribed, चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो वीडियोस को। Yes, लोगों को सही इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलनी चाहिए। Yes, क्योंकि कुछ कुछ लोग हैं गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं मार्केट में। सो शेयर शेयर इट मैक्सिमम एंड लेट मी रीच मैक्सिमम एंड हेल्प मी टू ग्रो दिस चैनल। Yes, motivate me to make videos daily. Follow me on Twitter for live market updates, live market analysis करता हूँ, trade, live market trades देता हूँ. You can follow me here. And idiot view free में सीखना है तो complete book दे रहा हूँ free में, कोई charge नहीं है. And if you want to learn how to trade based on idiot view price action, we have courses at discount. Yes, और अगर आपको दोनों सीखना है, 999 में दे रहा हूँ, बस ये वीक के लिए होली का ऑफर है. After that, you are not going to get it. Okay, so definitely grab it until it's there. I have discussed everything, risk management. Okay, let's discuss क्या लग रहा है भाई, मार्केट क्या लग रहा है, क्या है मार्केट का स्ट्रक्चर। सो फेड ने कहा भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, अग्रेसिवली बढ़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फिर डाउन पास से 500 पॉइंट गिर गया, फिर बहुत डर का माहौल था, और फिर क्या हो गया, और फिर क्लोजिंग कहाँ पे आ गई मार्केट की। और हमने मंडे को वीडियो में क्या कहा था, गैप डाउन हो सकती है, 650 तक मार्केट आ सकता है, लेकिन क्लोजिंग तो ऊपर ही आएगी। क्लियरली कहा था मैंने मंडे को, अगर वेनेसडे गैप डाउन होता है, नीचे सपोर्ट है, क्लोजिंग तो ऊपर ही आएगी, और क्लोजिंग ऊपर आ गई। दैट गिव्स मी कॉन्फिडेंस कि बुल मार्केट आ रहा है, द बुल मार्केट इज कमिंग। यस, द बुल मार्केट इज कमिंग। हमने 15,200 से कहा है बुल मार्केट आ रही है, अब वापस कह रहे हैं हायर बॉटम हुआ है, बुल मार्केट आ रही है, बुल मार्केट आएगी। वेटिंग फॉर मार्केट टू गो अबाउट 18,130, ये जो लास्ट स्विंग हाई था 18,134 का, उसके ऊपर जब जाएगा तो फिर ओपन चैलेंज दे देंगे भाई सबको, जो भी है अंडू पंडू एनालिस्ट सबको बोल देंगे भाई, टीवी वाले, ये वाले, सो वाले, जो खुद को तुर्रम खा समझते हैं उनको सबको ओपन चैलेंज में दे दूंगा भाई, मंदी ला के दिखाओ, मंदी ला के दिखाओ। आई एम 99% कॉन्फिडेंट दैट वी हैव मेड हायर बॉटम ओवर हियर। 1% आई एम गिविंग कि भाई हाँ आदमी हूं, मिस्टेक हो सकती है, एरर हो सकती है, बट 99% आई एम कॉन्फिडेंट वी हैव मेड अ हायर बॉटम, वेव टू बॉटम ओवर हियर, एंड वी आर गोइंग इन अ थर्ड वेव ऑफ बुल मार्केट। यस, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, और उसका सपोर्टिंग एनालिसिस मैंने ऑलरेडी शेयर किया है मंडे को, आज वापस शेयर करूंगा, और आज मैं यूएस मार्केट की भी थोड़ी शेयर करूंगा। सो ओके, निफ्टी में अभी क्या स्ट्रक्चर है? तो निफ्टी में स्ट्रक्चर अभी क्लियर है, तो हमने यहाँ पे डाला था कि ये वेव वन है, और मैंने कहा था कि वेव टू खत्म हुआ है कि नहीं पता नहीं है, लेकिन आज कह रहा हूँ वेव टू खत्म, वेव टू खत्म हो गया, ये थर्ड वेव ऊपर आ रहा है, थर्ड वेव कहाँ तक जा सकता है, इंट्राडे पे बोल रहा हूँ मैं, इंट्राडे पे थर्ड वेव ये 18,100 तक आ सकती है, ये जो लास्ट स्विंग हाई है वहां तक आ सकती है थर्ड वेव। यस, 18,130, 18,200 रेजिस्टेंस जोन है, वहां पे देगा रेजिस्टेंस। यस, सो इफ वी गो हायर देयर इज अ लाइकली चांस दैट वी मे सी 18,100। यस, हाँ अभी ये हाई अभी तक गैप जोन कंप्लीट हुआ नहीं है, ऊपर आया नहीं है। यस, यहाँ पे 17,800 के ऊपर मार्केट गया नहीं है, गैप है, तो जब तक उसके ऊपर नहीं जाएगा तो बेयर्स बोलेंगे नहीं, हम तो नीचे ही लेके जाने वाले हैं, लेट्स वेट। सो अभी तो मैं एकदम क्लियरली बोलता हूँ, मैं आज के लो के नीचे जाएगा तो ही हम बेरिश व्यू के बारे में सोचेंगे सोचेंगे, लेकिन आज के लो के नीचे नहीं जाता है मार्केट, मंडे का हाई क्रॉस करके ऊपर जाता है, शॉर्ट मत करना, वापस बोल रहा हूं शॉर्ट मत करना,
आपको अगर पैसा ज्यादा हुआ है तो डोनेट करो बट शॉर्ट मत करो। 17,800 के ऊपर मुझे कोई रेजिस्टेंस ना दिख रहा, सीधे सीधे मार्केट 18,100 तक जा सकती है, नॉन स्टॉप शॉर्ट कवरिंग आएगी। यस, प्ले विथ स्टॉप लॉसेस, मैं कॉन्फिडेंटली कह रहा हूं बिकॉज आई हैव कॉन्फिडेंस। यस, बट आई ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस। मैं स्टॉप लॉस के सिवा ट्रेड नहीं करता। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस है। ओके, बैंक निफ्टी में क्लियरली बुलिश फॉर्मेशन है बॉस। बॉस क्लियर बुलिश, देखो कहाँ पे बैंक निफ्टी क्लोज हुई है, हाई पे क्लोज हुई है। डेली अगर हम देखते हैं बैंक निफ्टी डेली चार्ट देखते हैं बैंक निफ्टी की, तो डेली चार्ट में बैंक निफ्टी में ये देखो क्लियर बुलिश फॉर्मेशन है। देखो तो ये हाँ 41,670 के ऊपर जाएगा मार्केट, तो सीधा ऊपर 42,000 है। कुछ है नहीं भाई, रेजिस्टेंस है ही नहीं कोई, रेजिस्टेंस कोई है ही नहीं। कहाँ पे रेजिस्टेंस ढूंढोगे भाई, क्लियर कट बुलिश फॉर्मेशन है। 13 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन हो रहा है, ये जो बेस फॉर्मेशन था उसके ऊपर सस्टेन हो रहा है, क्लियर बुलिश फॉर्मेशन है। तो यार मीन्स क्यों डरा रहे हो लोगों को कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, मार्केट क्रैश होगा, बॉन्ड यील्ड ये वो सारी चीज फलाना ढिमका, क्यों लोगों को डरा रहे हो? यस, और खुद कितनी मंदी कर पाते हैं पता नहीं भैया, कितना होल्ड करते हैं, क्या करते हैं कुछ पता नहीं। यार लोगों को डराना बंद कर दो, लोगों को डराना बंद कर दो। यस, डेली कैंडल पे देखो क्लियर बुलिश फॉर्मेशन है बैंक निफ्टी। मार्केट इज गिविंग साइंस, मार्केट साइंस दे रहा है बॉस, तेजी आ रही है, तेजी आ रही है। ओके, सेक्टर्स में डिस्कस करूंगा कौन से सेक्टर्स अच्छे हैं। तो पीएसयू बैंक्स, ऑब्वियसली वन ऑफ माय फेवरेट सेक्टर पीएसयू बैंक। तो मैंने परसों ही कहा था कि देखो यहाँ पे अभी ये स्विंग हाई है, लास्ट वो क्रॉस हो जाने के बाद कंफर्म ही कर देगा कि ये जो करेक्शन है वो कंप्लीट हो गया। और देखो क्लियर, कोई एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये वेव बी है निफ्टी में और ये वाली कह रहा हूँ मैं, देखो मीन्स आर्ग्यूमेंट देखो क्या है ना, आर्ग्यूमेंट आप ना स्मार्टली कुछ भी ओवर कॉन्फिडेंस में कॉन्फिडेंटली आप कुछ भी गलत शलत बोलते हो और आर्ग्यूमेंट रात को करते हो 12:30 1 बजे, तो हम आपसे आर्ग्यू करते बैठेंगे नहीं क्यों भाई, आप गलत हो हम सही है। यस, मार्केट ही आपको बता देगा आप कैसे गलत हो, बट आप टीवी पे आते हो कुछ भी गलत अनाप शनाप बकवास करते हो कॉन्फिडेंटली, दैट डज नॉट मेक यू आर राइट, यू आर रॉन्ग एंड मार्केट विल प्रूव यू रॉन्ग। यस, दिस इज अ क्लियर कट 5 वेव फॉर्मेशन। यस, इसको कोई बी वेव बोल सकता है, मैं उसको डिनाई नहीं करूंगा जब तक 18,100 के ऊपर नहीं जाएगा भाई। हाँ भाई तुम्हारी हम सुन लेते हैं भाई बी वेव है, बट बी वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स है नहीं। इलेट वेव की बुक पढ़ लो आप, फ्री में पढ़ लो, बी वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स में क्लियरली लिखा है कि बी वेव में मार्केट में सिलेक्टिव स्टॉक्स बढ़ते हैं और ओवरऑल ब्रॉड मार्केट बढ़ता नहीं है, यानी ओवरऑल ब्रॉड मार्केट में न्यू हाई आता नहीं है, जो निफ्टी में न्यू हाई आया। यस, तो वो न्यू हाई आई मीन जो निफ्टी में न्यू हाई आया वो बहुत सारे सेक्टर में आया बॉस। पीएसयू बैंक देखो, पीएसयू बैंक ने अगर 2021 का टॉप हम देखते हैं पीएसयू बैंक का, दिस वॉज द टॉप राइट, दिस वॉज द टॉप ऑफ 2021, नवंबर 2021 जहां पे निफ्टी ने टॉप बनाया था 1,850। आज पीएसयू बैंक कहाँ खड़ा है भैया, आज पीएसयू बैंक उसके ऊपर खड़ा है, उसके ऊपर खड़ा है। निफ्टी नीचे आया है, पीएसयू बैंक उसके ऊपर खड़ा है, और आप बोलते हो कि वेव भी है। अरे भाई कौन सा लेट वेव करते हो आप भैया, आप रॉन्ग ही हो। और सेक्टर बताता हूं मैं, दिस इज नॉट टू प्रूव हु इज रॉन्ग और राइट, आई एम बेसिकली प्रूविंग व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। ओके, अनदर सेक्टर, ओके तो ऑटो सेक्टर देखो, 2021 का हाई क्या था ऑटो सेक्टर का, ये देखो ये हाई था 2021 का। ओके, 2021 का ये हाई था। यस, और आज ऑटो सेक्टर कहाँ पे है, उसके ऊपर खड़ा है बॉस। तो आप कैसे कहते हो कि बेयर मार्केट रैली है, कैसे कहते हो बॉस? और देखो ये कंसोलिडेशन देखो, ऑटो सेक्टर का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया है। यस, तो आप उसको बेयर मार्केट रैली कैसे कह सकते हो भाई, कौन सा इलेट वेव करते हो आप, कौन सा इलेट वेव करते हैं भैया ये। एक और सेक्टर में बहुत सारे सेक्टर आज लेने वाला हूँ। यस, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 2021 का हाई क्या आया था, लेट्स सी क्या आया था इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में नहीं आया है अभी न्यू हाई। ओके, आई मीन न्यू हाई के
ऊपर नहीं, न्यू हाई के ऊपर अभी है नहीं, लेकिन एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में न्यू हाई तो आया, उसके बाद डाइवर्जेंस है बस, इंटरमार्केट डाइवर्जेंस आप इग्नोर कर रहे हो भैया। यहाँ पे मैं अगर निफ्टी का डाल देता हूँ चार्ट, इंटरमार्केट आप मार्टिन प्रिंग की बुक लेते का रेफरेंस देते रहते हो कि मार्टिन प्रिंग के बुक में ये लिखा है वो लिखा है, बॉन्ड यील्ड्स कमोडिटी ये वो सब चीज बात कर रहे हैं एनालिस्ट, और डाइवर्जेंस को सिलेक्टिवली इग्नोर कर रहे हैं सर, सिलेक्टिवली डाइवर्जेंस को इग्नोर कर रहे हैं ये लोग। मार्टिन प्रिंग साहब ने बुक में क्लियरली लिखा है, मार्टिन प्रिंग साहब ने क्लियरली बुक में लिखा है कि मार्केट में अगर इंटर मार्केट डाइवर्जेंसेस रहते हैं तो मार्केट में ट्रेंड चेंज आता ही है मोस्ट ऑफ द टाइम, 99% ऑफ द टाइम इंटर मार्केट डाइवर्जेंस की वजह से मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है। तो ये निफ्टी का चार्ट लगाया मैंने राइट साइड पे, लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक ने इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स ने यहाँ पे हायर बॉटम बनाया है, ये ट्रेंड चैनल ब्रेक करके ऊपर आया, प्रीवियस स्विंग हाई को आया, निफ्टी नहीं आया है, बट पीएसयू बैंक बता रहा है कि भाई मैं स्ट्रांग हूं, भाई मैं स्ट्रांग हूं बता रहा है। ओके लेट्स वॉच अदर, तो पीएसयू बैंक सॉरी ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर था, पीएसयू बैंक में भी सेम है बॉस, ठीक है पीएसयू बैंक में हम बोलेंगे कि चलो ठीक है पीएसयू बैंक में, वेट सॉरी यहाँ पे निफ्टी लगानी है, मैं थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड पे निफ्टी डाल देता हूँ। ओके दिस इज अ निफ्टी चार्ट राइट हैंड साइड पे, और ये वाली साइड पे पीएसयू बैंक लगा देता हूँ, निफ्टी पीएसयू बैंक। तो देखो पीएसयू बैंक में भी लोअर टॉप लोअर बॉटम तो बनाया है, लेकिन देखो प्रीवियस स्विंग हाई को आया है, यानी वो रेजिलियंस दिखा रहा है, निफ्टी प्रीवियस स्विंग हाई को नहीं आया है बराबर। ऑटो इंडेक्स बोलते हैं, देखते हैं चलो ऑटो इंडेक्स क्या कर रहा है, निफ्टी ऑटो इंडेक्स, तो निफ्टी ऑटो इंडेक्स अगर हम देखेंगे तो निफ्टी ऑटो इंडेक्स इज क्लियरली शोइंग रेजिलियंस। यस यहाँ पे देखो निफ्टी का दिसंबर का लो था, उससे अगर कंपेयर करेंगे तो हायर बॉटम बना है ना अभी बॉस, हायर बॉटम बना है, जबकि निफ्टी लोअर बॉटम पे है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा, तो रेजिलियंस है ना मार्केट में, ब्रॉडर मार्केट बता रहा है हमें नहीं गिरना, हमें नहीं गिरना है, दिस इज अ इंटर मार्केट डाइवर्जेंस, दिस इज अ क्लियर साइन ऑफ ट्रेंड चेंज, ट्रेंड चेंज आएगा, बुल मार्केट आएगी ही आएगी। बहुत सारे सेक्टर है मैं दिखाऊंगा, मिड कैप, ओके मिड कैप में क्या हो रहा है, तो देखो यहाँ पे ठीक है एक बार ये ब्रीच हो गया दिसंबर का लो, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मींस इंट्राडे पे ब्रीच करके इसके नीचे गया ही नहीं यार, निफ्टी पे नए लो बना रहा है, नए लो बना रहा है, और मिड कैप में फॉल नहीं आ रहा। आप डाउ थियरी पढ़ो, आप मार्टिन प्रिंग्स आपकी बुक पढ़ो, मार्टिन प्रिंग्स आपने क्लियरली बताया है कि एवरेजेस मस्ट कंफर्म द ट्रेंड इन द मेन इंडेक्स, में जो ट्रेंड है वो बाकी के ब्रॉडर मार्केट में कंफर्म करना चाहिए, और ब्रॉडर मार्केट वो ट्रेंड कंफर्म नहीं कर रहा, यानी ब्रॉडर मार्केट बोल रहा है इंडेक्स की ट्रेंड झूठ है, इंडेक्स झूठा है, और आपकी इंडेक्स की एनालिसिस भी झूठी है, गलत है। यस दैट इज द थिंग मार्टिन प्रिंग्स हैज सेड, तो आप अपने हिसाब से कोई भी रेफरेंस दे देते हो, बॉन्ड यील्ड कमोडिटी ये वो सब, और ये चीज सिलेक्टिवली इग्नोर करते हो, यस सिलेक्टिवली इग्नोर करते हो, और वेव बी के कैरेक्टरिस्टिक्स आप इग्नोर कर रहे हो कि बहुत सारे सेक्टर्स ने न्यू हाई बनाया, बट इलियट वेव की बुक कहती है, मैंने इलियट वेव की बुक भी अभी यहाँ पे लगाई है, ओके इलियट वेव की बुक कहती है कि बॉस वेव बी में देखो, वेव बी एक मिनट यहाँ पे है मेरा, वेव बी लेट्स चेक व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव बी, तो वेव बीज आर फोनीज, दे आर सकर प्लेस, बुल ट्रैप, स्पेकुलेशन, यस, और क्या लिखा है यहाँ पे, दे ऑफन इन्वॉल्व फोकस ऑन नैरो लिस्ट ऑफ स्टॉक्स, नैरो लिस्ट ऑफ स्टॉक्स आर ऑफन अनकन्फर्म, डॉव थियरी दिस, यस यानी वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा लैंग्वेज समझने को डिफिकल्ट रहेगी, बट आसान भाषा में वो बोल रहे हैं कि गिने चुने स्टॉक्स ऊपर जाते हैं, बाकी ब्रॉड मार्केट में तेजी नहीं आती, और वो होता है वेव बी का कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे तो सारे सेक्टर ऊपर आ गए और ऊपर टिके हुए हैं, मीन सारे सेक्टर नहीं बट मोस्ट ऑफ द सेक्टर, ऑटो इंफ्रा कैपिटल गुड्स और पीएसयू बैंक पावर सेक्टर,
ये सारे सेक्टर यार ऊपर टिके हुए हैं, और आप बोलते हो कि वीयूबी है यार, कहाँ से वीयूबी है? मैंने काउंटर आर्ग्यू किया कि भाई बताओ मुझे कैसे वीयूबी है, तो उसका आंसर देना नहीं, उसका आंसर देना ही है भाई साहब, सर को देना नहीं यार। एनीवेज, दिस इज नॉट टू टेल, दिस इज नॉट टू प्रूव वेदर आई हैव बेटर नॉलेज एंड आई एम राइट, दिस इज टू प्रूव दैट आई एम टॉकिंग सेंस, आई एम टॉकिंग विद डेटा एंड आई हैव एविडेंस, मेरे पास एविडेंस है मेरी एनालिसिस को प्रूव करने के लिए, और जो बुक में लिखा है वो ही बता रहा हूं मैं भैया, मैं कुछ गलत चीज नहीं कर रहा हूँ, गलत चीज प्रमोट नहीं कर रहा, जो बुक में लिखा है वीओबी के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं वो मैं बता रहा हूँ, तो वो तो है नहीं। देखो, नैरो इमोशनल एडवांस, टेक्निकल वीक, यस, सिलेक्टिव रिजल्ट्स एंड नॉन कंफर्मेशंस, यस, तो कहाँ पे है वीओबी के कैरेक्टरिस्टिक्स भैया, है ही नहीं। और वेव सी के लिए, वेव सी फास्ट होती है, तो यहाँ पे फास्ट फॉल कहाँ पे है? इम्पल्स तो है नहीं, निफ्टी में इम्पल्स है ही नहीं है, देखो निफ्टी की चार्ट लगा देता हूँ, यहाँ पे इम्पल्स है नहीं, यहाँ पे आप बोलोगे कि ये एबीसी रैली है, बट 1 2 3 4 5 क्लियरली दिख भी रहा है, लग रहा है विदाउट वायोलेटिंग एनी रूल्स, देन हाउ कैन यू से आई एम यूजिंग क्रिएटिव लिबर्टी बॉस, दिस इज बुल। एनीवे, सो आई एम कॉन्फिडेंटली सेइंग दिस इज मोस्ट प्रोबेबली 99% वी हैव मेड अ सेकेंड वेव बॉटम इन मार्केट एंड मार्केट शैल गो अप, यस, तो मेरे पास एविडेंस है बहुत, सब सेक्टर का एविडेंस है। तो मिड कैप की बात की हमने, सारे सेक्टर्स की बात हम करेंगे, यस, कि जो सेक्टर्स परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं मार्केट में, परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, राइट, तो निफ्टी पीएसई इंडेक्स देखते हैं, यानी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, अरे यार ऑल टाइम हाई पे ब्रेकआउट दिया है, ओके, निफ्टी नीचे है, देखो निफ्टी नीचे है, निफ्टी लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है, और ये इंडेक्स, ये सेक्टर ऑल टाइम हाई पे जा रहा है, देखो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 2021 का हाई क्रॉस किया है, अभी मैं उसको निफ्टी को हटा देता हूँ, यस, क्योंकि बहुत सारे जो डाइवर्जेंस की बातें थी वो सब प्रूव हो गई है, तो देखो ये ऑल टाइम हाई पे है भैया, निफ्टी पीएसई इंडेक्स इज एट ऑल टाइम हाई, ये देखो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट आया है, और आप बोलते हो कि बेयर मार्केट, कहाँ से बेयर मार्केट, कहाँ से बेयर मार्केट है भैया, बेयर मार्केट कहाँ है? ओके, निफ्टी सीपीएसई इंडेक्स देखते हैं, निफ्टी सीपीएसई इंडेक्स, ओके, तो निफ्टी सीपीएसई इंडेक्स 52 वीक हाई पे ब्रेकआउट, आइडियली ऑल टाइम हाई पे ब्रेकआउट है, देखो ऑल टाइम हाई पे ब्रेकआउट है ये इंडेक्स, और आप बोलते हो, और मल्टी ईयर का ब्रेकआउट आया है, और ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस डाउ थियरी कहती है मल्टी ईयर ब्रेकआउट आने के बाद कोई भी स्टॉक सेक्टर रुकता नहीं है, बहुत जोर से चलता है, यस, सो मीन सारे सेक्टर बता रहे, चिल्ला चिल्ला के बता रहे कि भाई तेजी हो रही है, वीओबी की कैरेक्टरिस्टिक्स है नहीं, और आप बोलते हो वीओबी है, कहाँ से वीओबी है भाई, कहाँ से है, कहाँ पे है वीओबी, हमें क्यों नहीं दिखती, यस, ओके, तो मेटल स्टॉक, ओके, मेटल सेक्टर, इवन आई एम बुलिश ऑन मेटल सेक्टर, निफ्टी मेटल सेक्टर का देखते हैं चार्ट, ओके, बीएससी का एक्चुअली अप्रोप्रिएट रहेगा, बट निफ्टी का देखता हूं मैं, निफ्टी का चार्ट लगा के दिखा रहा हूँ, तो निफ्टी मेटल सेक्टर में यहाँ पे वेव वन के बाद एबीसी, वेव टू अभी कंप्लीट हो गई है, यस, बस वेव बी के ऊपर जाने की दूरी है, देन वी कैन स्टार्ट द थर्ड वेव हायर, यस, सो वी आर वेटिंग स्विंग हाई क्रॉस होने दो यार, इतने सारे सेक्टर में मार्केट चिल्ला चिल्ला के बता रहा है तेजी है, फेड बोल रहा है कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, फिर भी मार्केट गिरता नहीं है, तो आप मंदी कहां से लाओगे? यूएसडी आईएनआर में देखो क्या हुआ, ओ हो, तो पुल बैक आ गया यूएसडी आईएनआर में, और मार्केट नीचे, देखो नीचे आ रहा है, यानी कौन बेच रहे, क्या गोरे लोग बेच रहे हैं क्या? अभी डेटा तो मैंने देखा नहीं, बट बॉस यहाँ पे क्लियरली दिखा रहा है कि डॉलर में, ओके, डॉलर भी देखता हूँ, तो कल डॉलर में तेजी आ गई, लेकिन आज क्या हो रहा है, देखो कैंडल, और ओवरऑल अगर डॉलर का चार्ट देखोगे, ओवरऑल डॉलर के चार्ट में देखो क्लियरली डाउन ट्रेंड है, उसका रिट्रेसमेंट आया है, ये फोर्थ वेव का हाई है, इलियट वेव बोलता है कि फोर्थ वेव हाई को मार्केट आता है रिट्रेस करने, फोर्थ वेव हाई को रिट्रेस करने आ गया, आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पे टॉप हो गया नहीं हो गया, आई डोंट वॉन्ट टू स्पीक अबाउट दैट, जब क्योंकि यहाँ पे कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है कि यहाँ पे टॉप बन गया है, यस, पॉसिबल हो सकता बन गया है, लेकिन कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है, तो मैं बोलूंगा नहीं कि
डॉलर कट ऑफ हो गया यार, यहां से गिरेगा। बट एक चीज तो मैं कॉन्फिडेंटली 100% कहता हूं कि ये जो फॉल आया है वो डायरेक्शनल फॉल है, यस ये ट्रेंडिंग फॉल है, यानी ब्रॉडर ट्रेंड डॉलर की नीचे है, और ये जो रैली आई है वो करेक्टिव रैली आई है, और वो रैली अभी खत्म होने को आई है, वो रैली अभी खत्म होने को आई है। अगर हम डॉलर और निफ्टी साथ साथ लगाते हैं तो हम देख सकते हैं कि एग्जैक्टली इनवर्स कोरिलेशन हुआ है डॉलर के साथ निफ्टी का। ओके, तो ये कौन सी चार्ट है? आई थिंक ये बैंक, ये नहीं पता कौन सी चार्ट है, तो मैं ओके वो डाव की चार्ट है। ओके, डाव की चार्ट, डाव की भी देखते हैं, डाव और डॉलर की। तो यहाँ पे डॉलर का बॉटम हुआ था, तो वहां से देखो डाव नीचे है, डॉलर ऊपर आया, डॉलर ऊपर आया, डाव नीचे है, देखो इनवर्स कोरिलेशन, इसे कहते हैं इनवर्स कोरिलेशन। निफ्टी देखते हैं, और डॉलर और मार्केट का इनवर्स कोरिलेशन ही रहता है, यस फॉर अ मेजोरिटी पीरियड ऑफ टाइम, यस ब्रॉड पीरियड ऑफ टाइम डॉलर और मार्केट का इनवर्स कोरिलेशन रहता है। तो यहाँ पे देखो डॉलर यहां से ऊपर आ रहा है, यस डॉलर यहां से ऊपर आ रहा है, और निफ्टी नीचे जा रहा है, राइट, निफ्टी इज गोइंग डाउन, क्लियर, यस। डॉलर ऊपर आने के वजह से, पुल बैक आने के वजह से निफ्टी नीचे आ गया है यहाँ पे, क्लियर कट है, क्लियर है बॉस। तो और डॉलर देखो, डॉलर में अभी पुल बैक खत्म होने को आया, निफ्टी ने तो क्लियरली बता दिया भाई पुल बैक खत्म हो रहा है मार्केट में। ओके, ये डॉलर की बात होगी। अब हम बात करेंगे डाव की, तो डाव में भी आप अगर देखते हो, डाव जोन्स दिखा दे, डाव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, डाव फ्यूचर ही लगा देता हूँ, फिर क्लियरली पता चलेगा। तो यहाँ पे अगर डाव फ्यूचर देखते हैं तो ठीक है, डाव फ्यूचर अभी ये साइन तो कोई तेजी का है नहीं डाव में अभी फिलहाल, मेरी ये एनालिसिस है, दिस इज वेव वन, वेव टू शायद कंप्लीट हो गया है या होने वाला है, यस वी आर नॉट येट क्लियर कि वेव टू कंप्लीट हुआ है कि नहीं, क्योंकि ये सिंघाई क्रॉस नहीं हुआ है अभी तक, सो वी आर वेटिंग फॉर दैट। बट अभी मैं इंटर मार्केट डाइवर्जेंस दिखा रहा हूँ आपको, डॉलर और बाकी के सारे मार्केट्स का, मीन्स यूएस के बाकी सारे इंडेक्सेस का मैं इंटर मार्केट डाइवर्जेंस कैसे है वो बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा SPX, S&P 500 इंडेक्स लगाऊंगा, और यहाँ पे लगाऊंगा NASDAQ इंडेक्स, तो अभी आप यहाँ पे देख लो, क्लियरली देख लो कि यहाँ पे मार्केट ऊपर आया, S&P भी ऊपर आया, डाउ भी ऊपर आया, राइट, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो डाउ ने अभी भी हाई बनाया नहीं है, लेकिन ये देखो ये यहाँ पे डाउ ने जब लोअर हाई बनाया था, S&P में हायर हाई बनाया था, ओके, तो ये निगेटिव डाइवर्जेंस था तभी, बराबर, ये निगेटिव डाइवर्जेंस था तभी तो मार्केट नीचे आ गया। लेकिन एक चीज है, अभी एक चीज हम देख सकते हैं कि ये नीचे आने के बाद डाउ ने तो लोअर लो बनाया, लेकिन इसमें लोअर लो तो बना नहीं, यहाँ पे तो हायर बॉटम बन रहा है, देखो ये लो और दे देखो, यहाँ पे तो हायर बॉटम बन रहा है, क्लियरली हायर बॉटम बन रहा है, तो ये तो डाइवर्जेंस है ना भैया, तो ये डाइवर्जेंस डाउ के मार्केट में भी है और यहाँ पे भी है, देखो नैसडैक में बल्कि इतनी रिट्रेसमेंट आई नहीं है, इतना स्ट्रेंथ है नहीं, बट शॉर्ट टर्म में तो डाइवर्जेंस है नैसडैक में, कि देखो ये नैसडैक का लो और फिर अभी ये लो, हायर लो बनाया है, तो मींस जो मार्केट एक्चुअली वीकनेस दिखा रही थी वो स्ट्रेंथ दिखा रही है यूएस में, जो मार्केट वीकनेस दिखा रही थी, डाउ ने लोअर लो बनाया, लेकिन जो वीकनेस वाली मार्केट थी वहां पे मंदी नहीं आई है, और ये 100 स्टॉक्स है इसमें IT सेक्टर के, S&P में 500 स्टॉक है और डाउ में खाली 30 स्टॉक है, तो यानी डाउ ट्रेंड गलत बता सकता है, ब्रॉडर मार्केट ट्रेंड गलत नहीं बताता कभी भी, राइट। एक और मैं इंडेक्स लगा रहा हूँ, रसल 2000, वो यूएस का मिड कैप इंडेक्स है, स्मॉल कैप इंडेक्स है यूएस का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली देखो डाउ में लोअर बॉटम बनाया, बट S&P में हायर बॉटम बनाया, और यहाँ पे रसल 2000 में भी हायर बॉटम बना है, क्लियरली, तो मीन्स डाउ जोन्स में भी इंटर मार्केट डाइवर्जेंस है, और प्रिंग साहब ने कहा है कि इंटर मार्केट डाइवर्जेंस होता है तो ट्रेंड चेंज होता है, ट्रेंड चेंज होता है,
Internal market divergence is always a indicator of trend change. डाउ में ट्रेंड चेंज का अभी तक सिग्नल आया नहीं है. वैसे तो निफ्टी में भी बाकी है, बट मीन्स कंफर्मेशन बाकी है, बट सिग्नल तो आई, निफ्टी सिग्नल तो आई, डाउ में भी थोड़ी बहुत सिग्नल तो दे रही है थोड़ी बहुत. सो हम वेट करेंगे भैया, हम वेट करेंगे कि एक बार मार्केट रिवर्स करके ऊपर चला जाए, फिर हम देखेंगे भाई कि क्या होता है मार्केट में. आपको करते रहो रिसेशन, इन्फ्लेशन, ये वो फलाना ढिमका, डराते रहो पब्लिक को, लेकिन हम गलत चीज नहीं सपोर्ट करें. आपका व्यू राइट भी हो सकता है, मार्केट नीचे आ सकता है, उसको हम बोलेंगे नहीं, उसको ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे. बट आप गलत बोलोगे कि आप बोलते हो मैं यहाँ पे लिबर्टी ले रहा हूँ, ये 3 वेव को 5 वेव बना रहा हूँ. यार मैंने थोड़ी कहा कि भाई आप भी लिबर्टी ले रहे हो, इसको बी वेव जो है नहीं उसको जबरदस्ती बी वेव बना रहे हो. सी वेव की कैरेक्टरिस्टिक तो 0% निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक से सी वेव के, कोई इंपल्स नहीं है, फास्ट फॉल नहीं है, फिर भी उसको बोल रहे हो सी वेव है. लेकिन मैंने तो डिग्निटी रखी, मैंने तो बोला नहीं आप लिबर्टी ले रहे हो यार. एनीवे, सो एनीवेज, दिस वीडियो इज नॉट टू पिन पॉइंट एनीवन, दिस वीडियो इज नॉट टू से दैट के भाई आप गलत हो के मैं सही हूं, बट दिस इज बेसिकली टू प्रूव व्हाट एवर एनालिसिस आई एम सेइंग इट इज बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग डेटा. मेरा डेटा के साथ, प्रूवन डेटा के साथ मैं आपको दे रहा हूं, एविडेंस के साथ. हवा में बात नहीं कर रहा हूँ सर जी, हवा में बात नहीं कर रहा हूं मैं डेटा के साथ दे रहा हूँ मेरी जो भी एनालिसिस है. सो लेट्स सी, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंटली बुलिश, आई एम वेटिंग फॉर मार्केट टू क्रॉस 18,100. फिर बात करते हैं भाई कहाँ पे जाने वाली है मार्केट. कल मार्केट 500 पॉइंट नीचे थी, फिर भी मेरा कॉन्फिडेंस 1% नहीं हिला. परसों तो मैंने लिखा कहा था वीडियो में कि गैप डाउन ओपन हो सकती है, 650 नीचे आ सकता है, टेस्ट करने पॉसिबल है. वो हो गया, उसके बाद क्लोज ऊपर ही आएगी ऐसा कहा था, विदाउट विदाउट नोइंग के फेड क्या करने वाला है. मेरे को तो पता भी नहीं था कि फेड की मीटिंग है, मैं तो ये सब चीज ट्रैक रखता ही नहीं, क्योंकि चार्ट मेरा भगवान है, चार्ट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, भाव भगवान छे, चार्ट को सब आगे की चीजें ऑलरेडी पता होती है, वो बस देखने का आपका आपको नजरिया होना चाहिए, आपके पास वो देखने का स्किल होना चाहिए. वो भगवान की कृपा से थोड़ा बहुत स्किल है हमारे पास, ठीक है, स्किल यूज करेंगे जब तक वर्किंग है, स्किल यूज करते रहेंगे. लेट्स सी, रॉन्ग तो होते हैं भाई, सब लोग होते हैं, रॉन्ग जाने में कोई गलती नहीं है, बट कॉन्फिडेंटली आप कुछ भी बोलोगे तो हम नहीं भाई, हम नहीं उसको बेयर करेंगे, ना हम उसको सपोर्ट करेंगे. वी आर गोइंग टू क्वेश्चन रॉन्ग थिंग्स. एनीवे, फॉरगेट दैट, कीप लविंग, कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग विद अस. यस, मेक द वीडियो वायरल एंड लेट पीपल नो विथ एविडेंस. मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ, पूरा एविडेंस के साथ बोल रहा हूँ, डेटा के साथ बोल रहा हूँ, और हवा में बात नहीं कर रहा. सो कीप लविंग, कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग विद अस. एंड आई वुड अगेन से, फ्री का इलियट वेव बुक तो पढ़ ही लो, एंड कम से कम अगर आपको नहीं लेना है ऑफर 999 का, फ्री में बुक पढ़ लो, बट पढ़ लो, इलियट वेव वंडरफुल है, यू कैन मेक वंडर्स विद इलियट वेव. सो डू रीड इलियट वेव, यस, एंड डोंट बी बायस्ड, यस, कभी भी बायस्ड मत होना अपने एनालिसिस के साथ, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट. सो दैट्स फ्रॉम टूडेज अपडेट. कीप लविंग, कीप शेयरिंग, keep learning and keep earning with us. This is Harsh Dixit signing off. Until we meet again.